الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب, <زدني علما> <رب, <زدني علما> <رب يسر ولا تعسر <توعصير> وتمن بالخير <بي> عزيز طلبة آج <أجهن> هم آه

तो उसमें हम सिर्फ वाहिद और जमा की बात किया करते थे हम बीच में जो अरबी में एक और चीज होती है जिसको आप तो उसको बीच में खमखा लाने के लिए खमखा ला कर बिगिनर उसको परेशान करने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं सीखेंगे उसको सीखना है आज हम तस्निया को पढ़ेंगे होल सेल में लेसन नंबर थर्टी इज ऑल अबाउट फेल में तस्निया कैसे आएगा में कैसे आएगा जमीर में कैसे आएगा तो जमीर मुतसिल कैसे तस्निया में इस्तेमाल होगा जमीर मुनफसल कैसे इस्तेमाल होगा आप सवाल कैसे पूछेंगे वो जवाब कैसे देंगे ये सारी चीजें आज ताला जो है आ, डिस्कस की जाएंगी तो आज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लेसन जो है आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आइए पहले हिवार पढ़ते हैं <coughs> बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरवाजे पर दो नौजवान खड़े हैं फतन सिंगुलर और उसका तस्निया आएगा फतयान आप आज तक पढ़ते थे फतन इसकी जमा है फितियतुन इसकी जमा है फितियतुन लेकिन बीच में दो नौजवानों को क्या कहेंगे आज आप पढ़ रहे इसका है फतयान फतयान दो नौजवान दरवाजे पर दो नौजवान खड़ा है अलमुदरिस उदखुला तुम दोनों दाखिल हो जाओ उद खुला दाखिल हो जाओ यानी आ जाओ अंदर आ जाओ आज तक आपने जब भी फैले अमर पढ़ा तो आपने वहां पढ़ा उद खुल उद खुलू यानी वाहिद का सेगा और जमा का सेगा बीच में तस्निया का सेगा हम नहीं पढ़ते थे तो आज आप पढ़ रहे उद खुला ये अलिफ हमने वहां डाल दिया ये तस्निया के लिए आदे उद खुला तुम दोनों दाखिल हो जाओ उर्दू में हम ऐसे बात नहीं करते हम सिर्फ ये कहते हैं आ जाओ अंदर आ जाओ आप दोनों यानी आप दोनों अंदर आ जाओ तो अरबी में एलिफ लेहना पड़ेगा दाखिल हो जाओ मन आप दोनों कौन है? आज तक आपने पढ़ा अंत अन्त, प्लुरल लेकिन बीच में दो के लिए अंतुमा आप कौन आप दोनों यानी आप दो नौजवान कौन हैं अहद हुमा उनमें से एक बात करता है वो जवाब देता है क्या कहता है नह नो क्योंकि जब आप मुतकल पढ़ते हैं तो वहां आपने पढ़ा होगा कि मुतकल में तस्निया नहीं होता है भाई सिर्फ वाहिद और जमा और जमा कसेगा तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है मिसाल आप एक है तो आप कहेंगे अना अना उसबन लेकिन अब अगर, अगर आप जमा है बहुत सारे तो आप कहते हैं नहनु मुस्लिम मुसलमान है अब अगर दो हैं तो उसके लिए भी आप नहनू इस्तेमाल करेंगे नहनो तालिबान जदीदानी उस्ताद मोहतरम हम दो नए तालब इलम है टू न्यू स्टूडेंट ये जदीदानी इसकी सिफत है तालिब उन एक नया तालब इलम तुल्लाब उन बहुत सारे नए यानी दो से ज्यादा दो से ज्यादा नए तालब इलम तालिबानी जदीदानी दो नए तालब इलम तो मुदरिस कहता है मरहबन बिकुमा कुमा, कुमा मरहन बिका आप एक के लिए मरब्बा है बिकुम आप सब लिए वेलकम लेकिन दो है तो इसने कहा मरहबन बिकुमा वेलकम टू बोथ ऑफ यू वेलकम टू वन ऑफ यू आप दोनों को मरहबा मीन आईना अंता क्या बन गया अंतुमा मीन आना अंतुमा ऊपर भी आपने पढ़ा आप दोनों कहाँ से हैं आज तक आप पढ़ रहे थे अंता अंतुम लेकिन आज आप बीच में पढ़ रहे हैं अंतुमा आप दोनों कहां से हैं हुआ यानी उनमें से एक जो बात कर रहा है वो कह रहा है नहनो मिनसीन हम चाइना से हैं मुदरिस फिर पूछ रहा है मता वसल तुमा पहले मादी क्योंकि सेकंड पर्सन से बात हो रही है आप कहते हैं फालता फालतुम वसलता वसलतुम यानी वाहिद का सेगा और जमा का सेगा बीच में तस्निया का सेगा आज आप पढ़ रहे हैं मता वसल आप दोनों कहां से कब पहुंचे मता कब वगैरह। वो बंदा जवाब दे रहा है। यानी में भी के लिए नहीं आता है नहीं आता है, बल्कि जमा आता जमा आता है वसल तो मैं पहुंचा वसलना हम दो पहुंच गए हम सब पहुंच गए और औरतों के लिए एक ही से गई वसल तो मैं एक औरत मैं एक मरद पहुँचा वसलना हम दो मर्द हम दो औरतें हम सब मर्द हम सब औरतें सब के लिए एक से वसल ना हम सब पहुंचे आम से कल अल मुदरिस तो अमानी अंतुमा तो अमानी मीन्स ट्विन्स आर यू ट्विन्स हुआ वो जवाब दे रहे ना हम हाँ हम ट्विन्स हैं वो कैसे फार अफ़तार जाल के उस्ताद सर आपने आपने कैसे पहचाना ये हम तो ट्विन हैं लेकिन आपने कैसे पहचाना तो मैंने मैंने पहचाना उस उस मुशाहबत से से लाइकनेस आप दोनों के नाम क्या है आप दोनों के नाम क्या है क्योंकि अगर ये दो है तो इसने कहना था ना क्या नाम है मा इस कुमा यह नून गिर जाता तो क्या था मा इस मा कुमा, आप दोनों के दो नाम क्या है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि जब जिस चीज के बारे में ये पता होता है कि भाई वो तो एक ही हो सकता है अब अगर हम उसका तस्निया इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए किस सेगा इस्तेमाल करते हैं जमा कसे इस्तेमाल हाँ जमा कसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये आगे इंशाल्लाह आएगा तो मैं यहाँ इसको बस इतना ही रखता ऐसे ही रखता हूँ हुआ वो जवाब देता है इसमी हसन मेरा नाम हसन है वो अखी और मेरा भाई उसका नाम हुसैन है व अखवात क्या आपका कोई भाई बहन है क्या आपके भाई बहन है अलहसन नाम, हाँ लना अखान हमारे दो भाई हैं आज तक आप सिर्फ ये जानते थे अखुन इसकी जमाती है एक लेकिन आज आप इसका तस्निया पढ़ रहे हैं ए अखम आखा वानी। हमारे दो भाई है व उतान और दो बहने हैं अमल अखवान जहां तक दो भाइयों का ताल्लुक है फैया अमालानी, तो वो दोनों काम करते हैं यह अमालानी, पहले मुदारा आप इसको पढ़ते थे आज तक यह अमाल या अमलोना के साथ लेकिन और जो इसका तस्निया का कायदा भी सीख रहे हैं या अमलानी वो दो काम करते हैं फिर मकतब खतूत खतूत एयरलाइन वो एयरलाइनज के ऑफिस में काम करते हैं वखद दरासा दरासा वो दोनों दरअस दरसू प्लूरल बीच में आ गया तस्ने का दरअस वो दोनों उन दोनों ने पढ़ा है फी मदत जबान के यानिंग इस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में कबलावा कुछ साल पहले इस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ा है कुछ साल पहले वह अमा अलउ्तान रही दो बहने फता दुसान तादरुसने पढ़ते थे याद रूसो याद रूसो ना तद्रुसो तद्रुसो इसी तरह मोनस के लिए पढ़ते थे तद्रुसो तद्रुसो या दुरुस फिर मोनस हाजिर के लिए तद्रुस तद्रुसीना तद्रुसीना तद्रुस लेकिन तस्निया का कायदा आपने बीच में तस्निया नहीं पढ़ते तस्निया का सहगा तो आज आप पढ़ते हैं तद्रुसाने वो दोनों औरतें फिर मदरसा थी असान वियती स्कूल में पढ़ती हैं मैं आगे जाकर इस तदर के बारे में आपको एक और कायदा बता दूंगा पहले आप इसको कंप्लीट करें कानत लना हमारे कानत लना हमें थी उख्तानी दो बहने उखरायानी और यानी और दो बहने हमें थी मगर उनके क्या हुआ मातता वो दोनों मर गई यानी जहाबत वो एक और चली गई जहाबता मातत मातता शरीबत उसे औरतनी पिया शरीबता उन दो उतनी पिया माता वो मर गई फिर से गरी बचपन में ही यानी जब वो छोटी थी तो उस वकत दोनों फोत हो गए अलमुदरसियन किस कॉलेज में तुरी दानी आप दोनों चाहते हैं तुरी दो तुरी दो ना बीच में आ गया तुरी दानी कि आप दोनों पढ़े तदरुसा या नून गायब हो गया ये असल में है तदरसाइन क्योंकि अन अपने फेल मुदारा को क्या करता है जबर दे नसब देता है क्या देता है नसब देता है तो जब हम फेल इसको आपने पढ़ा होगा अफाल हमसा तो आज हम उसके इनशा आखिर में इसके उसका भी जिक्र आएगा तो जब हम उसको उसके सामने कोई हर फिर नासिब लगाते हैं तो उसका नून जो है गायब हो जाता है वो आगे आएगा कायदा इनशाला वहां पढ़ेंगे अच्छी तरह आप आप दोनों पढ़े किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जबान पढ़ने के बाद अरबी चाहता हूँ ये मेरा भाई जो हसन है फरीदीकुलतरकरीम ये कुरान करीम कॉलेज में पढ़ना चाहता कॉलेज में पढ़ना चाहता है अलमुदारिस वफाकुमुल्लाह ये काफ के ऊपर तशदीद जो दिख रही है ना या फा के ऊपर है वफाका वफा वफाका कुमुल्लाह वफाका कुमल्लाह कुमा कुमल्लाह अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कामयाबी दे अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे अल हसन नुरीदु हम चाहते हैं अन्नज़हबा कि हम दोनों जाएं मैंने कहा ना कि मुतकल्लिम का से एक का प्लुरल जो है ये दो के लिए भी आता है वो प्लुरल के लिए भी नरे तो हम चाहते हैं नाज़ाबा कि हम जाएं इल अल मुराकिब निग्रान के पास वार्डन के पास या सुपरवाइजर के पास हम वहां जाना चाहते हैं मुदरिस ना तजाबा इले मत जाओ वहां उसके पास मत जाओ अल अभी فانه क्योंकि क्यों क्यों वो बिजी हैं यमकिनु कुमा आप जा सकते हैं अंता

रहा था जो सिलेबस में है जो प्रेस्क्राइबड है प्रेस्क्राइब्ड बुक जो है उनको वो अपनी लाइब्रेरी से ले लो ताकि आप उनको पढ़ सकें ठीक है यहाँ पे हमारा जो है तमरीन का ये ये पोर्शन खत्म हो गया क्या नाम है आ, हिवार का पोर्शन तो अब हम इनशाला तमरीन शुरू करेंगे

यानी पहले माजी जो है उसको आप जब आप है वाहिद पढ़ते थे उस वक्त भी ये क्वेश्चन था तो वाहि था या जमा पढ़ते थे तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन था अब अब आप तस्निया पढ़ रहे हैं तो यही क्वेश्चन है जैसे सवाल देखिए आईना खालिद वामिद उन खालिद और हामिद दो लोग कहाँ है

हाजिर के सेगु में आप डालेंगे तुम हाजिर के सेग में क्या डालेंगे तुम ठीक है लेकिन अगर फैले मुदारा हो अगर फेल मुजायरा फैले मुदारा हो तो आप इसको डालेंगे अलिफ नजो यबानी ताजबो ताजानी ठीक है ना तो इसी तरह अमर जब होगा जब अमर के लिए तस्ना तस्निया बनाएंगे तो आप वहां डालेंगे क्या आ, 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 क्या नाम है अलिफ डालेंगे फॉर एग्जाम्पल आप किसको हुक्म कर रहे हैं इजहब क्या कहते हैं इजहब आप एक चले जाओ तो आप जब तस्निया बनाएंगे आप इसके बाद अलिफ लगाएंगे तो बनेगा ये बनेगा इजहबा क्या बनेगा इजहा इज़ब, इजहबा आप दोनों चले जाओ इजहबा इला फिरऔना इन्नहु तगा हजरत मूसा और उसके भाई को कहा गया जाओ फिरा उनके पास उसने सरकशी की है वकुल हल का इला वाल से है करके तो अब करके पाक का ब्रोक हूँ वो कह है तो आप इसको याद रखिए पहले माजी में अगर अगर मुगायब का सेगा होगा तो ए, ए, एलिफ लगेगा जैसे मैं इस तरह सिखाऊंगा अगर अगर यहाँ यहाँ मैं आपको इस तरह सिखाऊंगा कि ये बनेगा फॉर एग्जांपल जहाबा तो पलस बनेगा जहाबा क्या बनेगा पलस क्या बनेगा जहाबा हा अगर मोनस होगा तो जहाबत आता है जहा जहा आता है एक के लिए मोनस के लिए तो हम उसके साथ जब एलिफ लगाएंगे तो ये बनेगा जहाबता ठीक है इसी तरह लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे क्या नाम है इसमें क्या बोलते हैं आ, 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 हाजिर के छह से गुमे तो वहां है जहाबता आप एक ने किया जहब तुमा, जहब और मोनस के लिए भी यही सेगा लगता है जहाब तुमा, और इसी तरह मुजाहरा है अगर आप मुजाह में आएंगे तो मुजाह में आप ये देखेंगे कि भाई मुजाह में आप ये देखेंगे कि, मिसाल यह जब वो है हमारे पास फेल का पहला सेगा तो जब आप इसके साथ नून लगाएंगे तो ये बनेगा यजह बने और अगर क्या हो अगर मोनस का सेगा हो तो बनेगा ताज बानी, ताज़ा बानी। यहां याद रखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है या बानी का मतलब है वो दो मर्द जाते हैं या जाएंगे वो दो मर्द बस लेकिन ताजा बानी के तीन माने हैं वो दो मर्द सॉरी वो दो औरतें जाती हैं या जाएंगी आप दो औरतें जाती हैं या जाएंगी आप दो मर्द जाते हैं या जाएंगे यानी ये ये दो मुजक्कर हाजिर मुजकर तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है ठीक है ठीक है ना तो आप इसको याद रखे इसी तरह आप इसका भी जो है आ, अमर का भी आप खुद ये देखेंगे अमर में कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है उसको आप खुद देख सकते हैं तो अब आइए आई ना खालिद और उन खालिद और हामिद कहाँ है तो जवाब मिल रहा है वो दोनों चले गए सहाबा नमीन तो वह उक्तुहा आमिन और उसकी बहन कहा है अगर हम एक के लिए इस्तेमाल करते तो कहते जहाबत लेकिन दो के लिए दो लड़कियों के तो हम जहाबत के प्लस एरप लगाएंगे तो बनेगा जहाबता मुस्तफा वो गई ली मुस्तफा उम्मीहा अपनी उम्मी उम्मीमा अपनी माँ की के लिए हॉस्पिटल गए आईना खबर ए तुम तो मेरे दो भाईयो आप कहा थे कद मैं अब आप से बात कर रहा हूँ अब आपको हाजिर में यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आप सेकंड पर्सन है आप आपको अपने बारे में क्या कहना है तो आप कहेंगे जहबना मिसाल या जहबना इला इला श्रीनगर हम श्रीनगर गए थे नंबर फोर आयलत तो भी बती डैश डैश या बिंतान मेरी बेटियों क्या तुम आ, आ क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी क्या तुम तो? डॉक्टर के पास गई बती। जहब तुमा। जहब तुमा, जहब तुमा। के लिए सेम आएगा तो इसलिए यहाँ भी दो दो भाइयों के लिए अब फैले मुदारा का देखिए बिल्कुल यही है यही अलाम यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री लेकिन यहाँ फेले मुदारा यह जब इस्तेमाल कर रहा है मैंने बताया कि यह जब के साथ इब्राहिम जय शमा लब अहमद और इब्राहिम हर दिन मैदान में जाते हैं हमें कहना है क्योंकि अगर एक हो हम लेकिन दो हैड़के तो दो लड़को है कहाँ जा रहे हैं आप अगर एक होता तो मैं कहता आईना ताजो आप कहा जा रहे हैं लेकिन दो है तो मैं इफम बढ़ा दूंगा आईना ताजा बानी या वाला ए तो बच्चो तुम कहाँ जा रहे हो दो लड़के तुम तुम दो लड़को तुम कहा जा रहे है? हो नंबर थ्री दतानी वहां जो नमाज नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद वगैरह हम कहेंगे वो नमाज पढ़ने की जगह प्रेयर रूम की तरफ जा रही है तो हम क्या कहेंगे अलिब तान जदतानी मैंने कहा कि यहां भी आएगा ता क्योंकि ताज़ानी बाकी सब के लिए आता है सिर्फ यहाँ आएगा आयन ताजानी या, ता जा या वाला दान सिर्फ ऊपर आ गया या जबानी दो मरद वो दो मर्द गायब के दो से सेगे गायब का एक सेगा ठीक है जो दो के लिए इस्तेमाल होता है बाकी सब में ताज़ानी ताजाबानी ताज़बानी आएगा ता यहाँ दो लड़कों के लिए ताज़ाबानी आ गया क्योंकि हाजिर कैसेगा यहाँ दो लड़कियों के लिए क्योंकि दो गायब यानी गायब का कैसेगा मगर मोहनस है तो इसके लिए भी ताज़ाबानी मता या उक्तान, आप फार्मासिस्ट के पास कब जाएंगी मेरी यानी बहनों आप दो बहनों फार्मासिस्ट के पास कब जाएंगी तो वो कहेंगे मत ताज़ा थी या उख्तान मताबानी ताज़ा बानी आप दो मरद ताजाबानी आप दो औरतें ताज़ानी वो दो औरतें जाती है या जाएंगी खाती है या खाएंगी पीती है या पीएंगी वगैरह तो ये हो गया पहले मुजाहरा क्वेश्चन नंबर फोर में आप इसी चीज यही क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ यहाँ फेले अमर इस्तेमाल करना इधब ये तो वाइट के लिए आएगा मैंने आपको सिखाया जब आपको तस्निया बनाना हो तो अलिफ बड़ा देंगे चाहे मुजक्कर हो या मोनस हो जैसे यहाँ या खवान ए दो भाइयों जय जय शिल मस्जिद जाओ अब मस्जिद जाओ तुम दोनों हम कहेंगे इजहबा इल मस्जिद इलान इذا बा क्या कहेंगे इज बा इल अल मस्जिद अल आना या बंतन ए दो क्यों इल अल मकतबतिल मुदीरती इذا बा इल इला मकतबेल मुदीरती एक एذا बा इला मकतबेल मुदीरती आपने इसको पढ़ा है इफ अन जब आप फेल की करता पढ़ते हैं फेल الامر की इफ अन अल, इफ आला इफदु इफ अली इफ आला इफلنا यानी अमर के लिए ये तसनिया का दो तस्निया के दो के लिए सेम आते हैं आपको दो लड़कों को कहना है चले जाओ तो आप कहेंगे इजहाबा आपको दो लड़कियों को कहना है चली जाओ तो आप कहेंगे इजहाबा आपको दो लड़कों को कहना है खाओ तो आप कहेंगे या लिखो आप कहेंगे उक्तुबा दो तो लड़कियों उक को कहना है तो आप उनको भी कहेंगे उक्तुबा ठीक है सेम तो फेले माजी भी आ गया मुदारा भी आ गया और अमर भी अमर भी आ गया शबाश अब आप क्वेश्चन क्या है कुली इन तमाम जुमलों में से जो आ रहे हैं इनके सामने क्या से उन को कम्प्लीट करो बाद तरजम वो चेंज करने के बाद जो जरूरी है वो क्या मतलब हो गया जैसे आप देखिए मादा यदो तालिबान जदीदा दो नए तालब क्या चाहते हैं तो कोई जवाब दे रहा है युरीदाने वो चाहते हैं अन डैश डैश इल अल महजे हॉस्टल की तरफ या जबान अन या जबान इल अल महजे वो हॉस्टल जाना चाहते हैं लेकिन जब अन आ गया तो अन फेल मुजाहरा को क्या करता है मंसूब बना देता है चूंकि अफाली खमसा में से है तो नून गिरेगा जैसे मैं पीछे जब हार पढ़ रहे थे कन्वर्सेशन पढ़ रहे थे इसी लेसन की तो वहां मैंने ये चीज जो है वाजह थोड़ी कर दी थी लेकिन इसका क्वेश्चन आगे आएगा तो वहां इंशाल्लाह अच्छी तरह वाजह हो जाएगा तो कहता है कि हम ये वो दो लड़के कोई बंदा कहता है ये दो नए तालब इन हॉस्टल जाना चाहते हैं यूरीदानी नून गिरेगा जाए। दूसरा बंदा कहता है यूरीदानी वो खेलना चाहते हैं

नंबर फाइव यूरीदानदरसान के सामने बैठना चाहते हैं नून गिरेगा तो ये बनेगा आई वो क्या करना चाहते हैं है। तो ये हो गया भाई क्या फेल मुजाहरा मजजूम का मसला फेल मुजाहरा जो है मैं इसका जरा जल्दी में यहाँ एक टेक्स्ट बनाता हूँ इसके तीन है एक तीन किस्म है एक है मुजाहरा मरफू एक है मुजाह मरफू इसकी मिसाल क्या है जैसे आप लिखेंगे सिंपली यफ अ लो यफ अ लो लाम पेश लो ठीक है दूसरा है मुजाह मुजायरा मंसूब मुजाह मंसूब इसकी मिसाल है भाई यफ अ यफ यफ अला तीसरी मिसाल है भाई मुजाहरा मजजूम मुजहरा मजू मुजाहराजूम इसकी मिसाल है यफ़ यफ़ अल हैलम के ऊपर सुकून है जजम है अब यही मसला है जब इन्हीं में से इन इन इसको जब हम फैले मिसाल के तौर पर जमा का सेगा या तस्निया का सेगा इन तीन फॉर्म में लिखते हैं जमा का सेगा मैं यहां नीचे लिखूंगा मिसाल जमा का सेगा है यफ ये जमा का सेगा है ठीक है और तस्निया का सेगा क्या है यफ़ ये तस्निया का सेगा है और वो जमा का सेगा है और इनमें से एक आता है वो आगे पढ़ेंगे आप वो मैं अभी बता दूंगा इनशाला इनके साथ क्या मसला होता है भाई इनके साथ ये मसला होता है कि अगर आप उनको हालत रफा में इस्तेमाल करना है जैसे यहाँ है कहा जैसे यहाँ है फैले मुदारा मरफू में जैसे या फा तो आप इसको क्या लिखेंगे नून के साथ लिखेंगे और जब हालांकि नसब और जज़म में तो ये नून गिरेगा इन दोनों से तो बन बनता है या फलू तफ या फला तफ जैसे कुरान में है वह इलम तफ तफ अलू असल में है तफअलू ना वह इलम तफअलू वन तफ अलू अगर आप नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते तो इसकी अभी आएगी मजीद ये तशरी इंशाला वह हम वहां करेंगे तो ये भी आपने पढ़ा फैल मुदारा मरफू और आपने फेले मुदारा मनसूब को ये मनसूब को भी यहाँ थोड़ा सा टच किया क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा है तो यहाँ सिर्फ हमने तस्निया को ही टच किया अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप, आप मिलकुल्ला जुमलती बेजमी मुनासिब लेकिन अब जमीर मुनासिब अब आपको दो लोगों के दरमियान जमीर इस्तेमाल करने है आप जानते हुआ मीन्स वो एक हम मीनस वो सब अन्ता मीन्स आप एक मर्द अन्तुम मी अन्तुम मीन्स आप सब मर्द अन्ती मीन्स आप एक औरत अन्तुना मीन्स आप सब औरत ही हिआ वो एक औरत हुन्ना मीन्स वो सब लेकिन बीच में यार दो के लिए क्या लिखेंगे इसके लिए आप याद रखेंगे इसके लिए क्या याद रखेंगे आप इसके लिए याद रखिए अगर आपको लिखना है कि भाई मिसाल आप दो मर्द वो दो मर्द तो हम लिखेंगे हुमा हुमा अगर आपको लिखना है वो दो औरतें तो उसके लिए भी हुमा आएगा उसके लिए भी क्या आएगा हुमा हुआ तो तुम किताब तुम्हारी किताबें कहाँ है ठीक है और इसी तरह औरतों के लिए भी कुमा इस्तेमाल होगा ठीक है जरा हम इसको इसको पढ़ें तो ताकि वाजह हो जाएगा देखिये अरे क्या आपने देखा भाई ने, ने, दो तालब इलम को क्या आपने नए दो तालब इलम को देखा नाम हाँ प्राय तो मैंने देखा हुमा उन दोनों को हुमा उन दोनों को मैंने देखा अर अकर क्या आपने पढ़ा हाथ मजल इन दो किन को मजलों को नाम हाँ कर तो मैंने पढ़ा हुमा उन दोनों को अब मुजक्र मोनस के लिए हुमा हुमा सेम आ गया कोई परेशानी नहीं ने दिन। से के ही और उसके से। क्या कहा राय देखा कुमा आप को राय आपको देखा राय तो कुमां मैंने आप दोनों को देखा फिर मस्जिद मस्जिद में अलबार कल कल को कहा देखा मस्जिद में कलत अलमुदी तो लिजाइना मरियमा जैनब और मरियम से उनकी मैडम ने कहा क्या अलग-अलग से, कुमा, कुमा से वाहिद की, अलग -अलग, की जमीन अलग अलग और जमा की भी अलग अलग लेकिन तस्निया की सेम मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ उरीद कुमा अन मैं एक शहर के मुतालिक आप दोनों से सवाल करना चाहती से देखेंगे मतलब वही है सेम लेकिन नए तरीके अजीब इन सवाल के जवाब दीजिए अब आपको इस्तेमाल करके जवाब देने की कोशिश करनी है जो आप कहना चाहते हैं मिसाल सवाल है मता खाराजा अहमदो वाकु हो मेनलफास्ट अहमद और उसका भाई यानी दो लोग कब क्लासरूम से निकले आप जवाब देंगे खराजा खराजा वो दोनों निकले बादल हिस्सा तिल गोला पहली क्लास के बाद बादल हिस्सा तिल अब दूसरा क्वेश्चन देखें मता जहां तुम्हां इला मक्का ता तुम दोनों मक्का कब गए तुम दोनों क्योंकि मैं जब आप दोनों से कहता हूं तो आप अब अप अपने बारे में कह गया हम हम तो मुतकलम हो गए तो मुतकल में तस्निया नहीं है वहां आप जमीर लगाएंगे प्लोरल की ना आप कहेंगे ना या आप सिंपली कहेंगे फेल को प्लोरल में जहाब तो सिंगुलर जहाब ना जहाब ना कब लाइन दो महीने पहले हम गए थे नंबर थ्री माजा शरीब शरीबत जैनबो वसुआ दो जैनब और स्वाद दो लड़कियां उन्होंने क्या पिया शरीबत तो मैं कहूंगा शरीबत अब मुझे उन दोनों का नाम नहीं लिखना अगर मैं नाम बताऊंगा तो मैं ज़मीर तो मैं फेल को सिंगला लिखूंगा यह आपने कायदा पढ़ा है पीछे कि अगर फाइल मजकूर हो तो फेल को वाहिद लिखना पड़ेगा चाहे वो फाइल जो है वाहिद हो तस्निया हो या जमा हो और मजाक मोहन उसका ख्याल रखा

हामिद और खालिद कहाँ पढ़ते हैं अब मैं इन दोनों के लिए भी जमीन लगाऊंगा यहाँ देखिये यादर सिंगुलर फेल आ गया अब मैं तस्निया लगाऊंगा जवाब जवाँ में याद वो पढ़ते हैं चूंकि ये फेल माजी था ये फेल मुदारा है फेल माजी में सिर्फ अलिफ लगाते हैं फेल मुदारा में अलिफ और नून तो मैं कहूंगा याद रान वो दोनों पढ़ते हैं फी मदरसत इमाम अल गजाली गी इमाम गजाली मदरसा में पढ़ते हैं

वो कपड़े दो रही है शबाश अब आ गई क्वेश्चन नंबर एट पर जो मैं आपको बताना चाहता था कि गौर कीजिए मनसूब अलमुदारा अलमजूब ठीक है, है? अलमुजारा अलमाजूब तो इसने कहा है भाई अगर आपको तस्निया के चार से गे और जमा के मजक करके दो सेगे कितने हो गए छे और वाहिद मोनस का एक सेगा ताजा आप जा रही हैं तकुल आप कह रही है तशराबीना आप पी रही हैं है आप लिख रही हैं तजलसी ना आप बैठ रही हैं वगैरह तो अगर आप इन पांच इनको आप इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं यहाँ आपको पहले सिखाऊंगा या वो दो जा रहे हैं या, वो दो, रहे हैं। या वो दो मर्द मैंने कहा ना दो मर्दों के लिए आता है लेकिन मुजहरा मरफू जब ये उस जगह इस्तेमाल करना हो जहाँ आएगा तो नून के साथ लिखना पड़ेगा लेकिन अगर मनसूब की जगह जैसे लन 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 इससे पहले आ गया गया तो नून नून गिरेगा गिर इसी तरह अगर मुजाहरा मजूम हो जैसे लम इससे पहले आ गया तो ये बनेगा लम लम लमय हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है लम यजह नून गिर गया इन बोथ द अब प्लूरल में आई है यजू ना वो सब मरत जा रहे हैं या वो सब मरत जाएंगे लन यजबू नून गिर गया एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया इसको आपने पढ़ा है ये है लम यजबू नून गिर गया दोनों जगहों में जबानी आप दो मरत जा रहे हैं आप दो औरतें जा रही हैं वो दो औरतें जा रही हैं तीनों के लिए सेवा एक ही है तो आ गया ताज़ा ताजाबानी लंतजबा ताजा लंतजबा ताजा नून गिर गया लंतजबा नून गिर गया क्यों क्योंकि लन जो है अभी आपने पीछे मिसाल पढ़ी अन की ये चार हैं जो फेल मुदारा को क्या देते हैं ज़ाज़म देते हैं एक तो है अन लन काय इजम अनन काय इजम इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेवल पर आप ये चार याद रखिए तजबूना इसका मामला भी यजबूना की तरफ लम तजबू लम तजबू फैन लम तफलू व लम तफलू अगर आप नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते जैसे कुरान में है लम तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू लम तनालू ठीक है शाबाश तजबीना लम तजबी नून गिर गया लम तजबी नून गिर गया जी ही अलअफ आल आलो अलखमसत यही है पांच फेल पांच फेल इनको बोलते हैं अल-अफ़ारु अल-ख़म्सतु ये पांच फेल जो है ना ये कोई अलग फेल नहीं है मैं कहूँगा आपको एक तो जहाब आए दूसरा शरीर नहीं ऐसा नहीं हर फेल मुजारा की गर्दान में वो सेगे जिनके साथ ये नून जो है नून अराबी लगता है असल में ये ज्यादा है अगर फेल मुदारा की गर्दान पढ़ेंगे अगरा फेल मुदारा की गर्दान पढ़ेंगे तो उसमें टोटल कितने नून आते हैं उसमें टोटल आते हैं नौ नून कितने नून आते हैं टोटल नून आते हैं टोटल नून इक्वल टू नाइन नौ नून आते हैं टोटल ठीक है जैसे आप कहेंगे कैसे सर कैसे मैं कहूंगा तस्निया के तस्निया के चार तस्निया के चार या जबानी ताजाबानी 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 ठीक और जमा मुदक्कर के जमा मुजक्कर के जमा मुजक्र के दो जैसे यजाबोना ताजा बना और जमा मोनस के दो जमा मुअन्नस के दो जमा मोनस के दो जैसे या जबना ताजाबना शाबाश तो कितने आ गए चार दो और दो आठ और एक आता है वाहिद वाहिद मुअन्नस वाहिद मोनस हाजिर वाहिद मोनस हा, हाजिर वाहिद मोनस हाजिर का एक नून आता है कितने हो गए चार दो दो आठ और एक नाउ हो गए नून आते हैं लेकिन इसमें जो ये जमा के नून है इसमें फर्क है यानी अब आप सवाल करेंगे कि ये नून जो आप सर बता रहे हैं हमें है ये बताइए कि आ, आ, क्या नाम है अः एक मिनट यहाँ से थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया हाँ तो एक नून आ गया ठीक है भाई हाँ तो अब आप, आप सवाल करेंगे कि अगर ये आप कह रहे हैं कि इतने नून आ गए तो ये नून क्या एक ही किस्म के है तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं एक ही किस्म के नून नहीं है एक ही किस्म के नून नहीं है ये फिर क्या है ये नून जो है ये कई किस्मों के हैं ये नून कई किस्मों के हैं एक इसमें एक किस्म है मैं जरा इसको ये करूंगा रब करूंगा आप तो आप याद रखिए इसको क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है आ, तो मैं यहां लिखूंगा इसमें दो किस्म के नून होते हैं एक को बोलते हैं हम नून एराबी नून एराबी और दूसरी किस्म को कहते हैं नून नू निस्वती नून निस्वती

समझ रहे हैं आप तो दो ये कितने हैं टोटल ये दो हैं। तो जब नौ में से दो हटाएंगे ये ये तो तो ता 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 अब हम इन तीन में से दो को छोड़ते हैं एक को काम निकालते हैं अब सात में से अब भाई आप क्या करें सात में से आप एक को दो को माइनस करें दो को क्या करें माइनस करें वहां कितने नून बचे पांच न बचे यही है वही अल अफालु अल खमसतू ये पांच फय ये पांच फय अब इनकी क्या पढ़िए अब इनकी ये पढ़िए जिसको आप बोलते हैं कायदा ए रब अल अफाल खमसा कायदा पढ़िए तुरफो ओबि सु बोते नून इन पांच फेलों को जब रफा देना हो तो नून की मौजूदगी से नून को साबित करने से नून को लिखने से दिया जाएगा यानी नून इराबी माइनस नून इज इक्वल टू पेश लॉन्ग पेश लो एज अ बो म के ऊपर जो पेश है तस्निया में वो या जबानी बनता है वो नून जीनी बनता है और जमा में बनता है, है। तो इसलिए जब वहां पेश आएगा तो यहाँ नून आएगा लेकिन वतून सब आज फिर नून जब आप यह फलो को मैं यहां एक एक टेक्स्ट और बॉक्स डालता हूं अगर आप फॉर एग्जाम्पल या धबू, जो है, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप मैसालान लिखेंगे सामने, आप लिखिए लानूं जबलान, ये बनेगा या ज़ हा, या ज़ बा, लान या ज़ लान या ठीक है? ये लान या बनेगा, लान या लेकिन अब यही मामला हम या फ़, या ज़ बा नी के साथ करेंगे। For example, अगर आप इसको इसके साथ लन लगाएंगे तो इसका जब वहां पेश खत्म हो गया तो यहाँ नून खत्म हो जाएगा तो यह बनेगा, लान लान ओ ये बनेगा सॉरी ये मिला हो गया लन लन नून गिर गया इसी तरह लम के साथ लम यजा इसी तरह प्लूरल के साथ तो कायदा है भाई कायदा क्या है कायदा यह है कि कि जो है इनको अगर रफा की जगह इस्तेमाल करना होगा तो नून साथ लिखा जाएगा और अगर नस्ब और के साथ लिखना होगा तो नून को हजफ करके लिखना पड़ेगा तो आ, क्या नाम है आ, ये इनके बारे में एक कायदा है इसको आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हमने इसको फिर जिक्र किया तो यही हमारा जो है आज का क्लास भी खत्म हो रहा है और आज के आज का लेक्चर भी हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं तो अलमस्तान हमें इस किताब का अब आखिरी लेसन पढ़ना है लेसन नंबर थर्टी वन वो हम कल इनशा पढ़ेंगे तब तक के लिए खुदा खुदाफिज असल वरहमत लाबरक